अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो गई है और थोड़ी देर हम पहले भी एक स्टेशन पे रुके थे, लेकिन उस वक्त मैं सोई हुई थी और अब हम दोबारा रुके हैं और बस थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे अभी, क्योंकि सफ़र में ज़्यादा खाया तो जाता नहीं है, उलट पटांग चीज़ें ही होती हैं। तो बस यहाँ पर जो है बस वॉशरूम और छोटे छोटे से मार्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं मोटरवे के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ होता है, लेकिन बस वही होता है कि उसकी मैनेजमेंट जो है ना वो उसको कैसे रखती है। मौसम जो है वो धूप निकल आई है, बादल साफ़ हैं। अभी अभी सफ़र अभी हमारा काफ़ी बाकी है, देखें रात तक कब कहाँ पहुँचते हैं। अंडा पराठा हमारा आ गया है, नाश्ता करने के लिए रुके हैं, क्योंकि ये मुल्तान के करीब है तो यहाँ सोन हलवा वगैरह भी मिलता है। ये जी नाश्ता आया है बट साहब का, नाश्ता करेंगे। ये आपकी नींद कैसी रही? नींद तो मेरी अच्छी हो गई, काफ़ी अच्छी है, फ्रेश हो गई हूँ, लेकिन थकन है अभी भी। गाड़ी में सो गई थी? नहीं, अब आगे बैठूँगी। ये इस तरीके से होटल है, इनका अच्छा बना हुआ है। अभी हमारा सफ़र काफ़ी बाकी है, रात तक देखें कहाँ पहुँचते हैं हम लोग। अभी सिर्फ और सिर्फ हम पहुँचे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, मोटरवे पे यही नहीं पता चलता। मुल्तान क्रॉस कर दी, मुल्तान क्रॉस किया है। बट साहब का जी नाश्ता देखें, बट साहब ने शुरू कर दिया है कि बट साहब ने चलानी है गाड़ी। मैं तो बीच में काफ़ी सो गई थी, बेचारे अकेले ही गाड़ी चला रहे थे। अब आप खा के बताओ रूफ कैसा है नाश्ता। ठीक है, सो है घर जैसा है? घर जैसा तो पराठा नहीं है, पराठा अभी बस सामने मिर्ची वर्ची कुछ भी नहीं है, फिर नमक है। अच्छा, मुझे लग रहा था मिर्चों वाला है। खा सकते हैं? अच्छा नहीं खाती हूँ। चले आगे, फिर देखते हैं शाम तक कहाँ पहुँचते। और टाइम ऐसा हो रहे हैं 8:30, और फिर सफ़र की तरफ गामजन। इतनी इतनी बड़ी जगह है इनके पास, हैं ऐसे लगता है ऐसे एयरपोर्ट। अब आप आगे बढ़ेंगे, इतनी इतनी नाश्ता कर लिया है, अब इंशाल्लाह आगे बैठेंगे ये हमारे साथ ड्राइविंग करने के। इधर से आ जाओ, उधर से चलें जी, आप लोग भी हमारे साथ साथ रहें। नाश्ता कर लिया, आप लंबी ड्राइव करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है। चलें जी, सुभानल्लाह सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। नाश्ता जो सुबह हुआ था, ये नाश्ता नहीं है, अब ये खाना हो रहा है। ये जनाब अली 10:46 हो रहे हैं, सिंध के अंदर हम घुस चुके हैं और अब हमारा ये खाना चल रहा है। ये आपको हम जितनी दफ़ा भी दिखाएंगे आपको लगेगा शायद हम वहीं पे बैठे हुए, हम कहीं गए ही नहीं हैं सब एक जैसे हैं। और ये चने की दाल होंगे, ये बहुत अच्छी दाल है, और अचार है साथ में, ये छोटी सी सलाद है। और ये बस मोटरवे पे ये है कि हमने एक चीज़ नोट की है कि होटल्स वगैरह नहीं अच्छे दिख रहे खाने के साथ। ये इस वक्त जो हम लोग चाय पी रहे हैं ये एरिया घोटकी कहलाता है, और इसके बाद जो है वो घंटे का हमारा मंजिल का सफ़र रह गया है जहाँ हमें पहुँचना है। और आप लोग अभी गेस करें कि हमें कहाँ जाना है, और गर्मी यहाँ पर इतनी है कि हमें यहाँ पर आते ही जो है लाइट का सामना करना पड़ गया, वगैरह लाइट नहीं है। और इस वक्त हम बाहर बैठे हुए हैं, ये देखें हम इस वक्त ये कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, कॉरिडोर कहलाता है। ये देखें ये कॉरिडोर है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, तब भी जो है वो पसीने ऐसे निकल रहे हैं कि सुनाई पूछे हैं। आप क्या कहती हैं, आपको भी अच्छी खासी गर्मी लग रही है, तरा निकल गया आपका, बोल के दिखाएं क्या बोल रही हैं आप? मेरा तरा कट सकती है, नेमनी में तरा नहीं निकलती।
हिंदी में क्या बोलेंगे आप इस जुमले को? क्या सोच क्या रही? मुझे ये समझ नहीं आ रहा बोलना क्या है। मेरी हालत ख़राब हो गई है, मेरा जी हालत ख़राब थी ये मेरी हालत ख़राब थी करा कर चुकी है। सखर से हैदराबाद की तरफ जो जाते हैं ना, ये वो रोड है। इसके चारों तरफ आप देखें आपको सहरा ही सहरा मिलेगा। और वाकई इधर गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये जब हम लोग हैदराबाद से आ रहे हो, हैदराबाद से जा रहे हो, तो फिर ये इंडस रिवर का जो डैम है उसको बिराज कहते हैं। एक्चुअली बिराज होता है, इसमें गेट्स होते हैं, ये सारे गेट्स हैं, तो उसके पास गुजर रहे हैं। इस तरफ मनी कुछ के यहाँ पर स्टोरेज है, होटल आ चुका है। अब इसके अंदर जाएंगे, ये इसका नाम है इंडस होटल। ये हम लोग होटल के अंदर आ गए हैं, अब हम आपको अपनी रिजर्वेशन के हिसाब से दिखाते हैं। रिजर्वेशन हुई भी अब्दुल रऊफ अहमद भट्ट एंड आयशा रऊफ अहमद भट्ट के नाम से।